ओके बच्चे, वी आर स्टार्टिंग आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज सीरीज। आपने देखा होगा कि जब भी एग्जाम स्टार्ट होता है, लाइक चाहे आरएमएस हो, चाहे सैनिक हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे पहले ना सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग का पार्ट जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पार्ट सीरीज का होता है, और सीरीज के भी एक या दो क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ही। तो हम आज वही स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज का। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन और सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। ये सब तो आपको पता होगा ना कि सीरीज कितने टाइप की होती है और आपके एग्जाम में कितने टाइप की सीरीज आती है। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को कि 3 टाइप की सीरीज आती है हमारे पेपर में, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और मिक्स सीरीज। और आई होप आप सेशन के एंड पे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। चले टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। बहुत बेसिक, और आई थिंक सबको देख के ही पता चल जाएगा विदाउट सॉल्यूशन कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए चेक करते हैं बेटे। सिर्फ एक आयुष का आंसर गलत है, बाकी सभी के सही है। पहला क्या दे रखा है, 1 देन 4 देन 9 देन 16 देन 25। सीरीज देखते सारी आपको पता लग गया होगा कि ये स्क्वायर की सीरीज है। 1 कहाँ से आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 कहाँ से आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 कहाँ से आया, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आपको सीरीज पता चल गई कि पहले 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और उसके नेक्स्ट टर्म में किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। एम आई क्लियर आयुष, समझ आ गया? 37 नहीं होगा, 36 होगा। चले किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो हेयर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 2 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। 2, 3, 5, 7, 11। आई थिंक ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल रहा होगा विदाउट पेन उठाए कि क्या हो, क्या रखा है इसके अंदर। अभी मैंने बोला था कि हम ना गलती करे बगैर नहीं रह सकते, हमें गलती करनी ही है। ऐसा एक भी क्वेश्चन क्यों आ जाए कि सारा पूरी क्लास का आंसर सही हो। सुप्रिया 19, जसमीत 15, शरद 16, सारे नंबर्स लिख दो, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना सारे के सारे लिखो। सरताज 13, हर्षा 13, आयुष 17, अनमोल 13, आदित्य 13, पंचमवीर 13, भविष्य 13, विकास 13, जतिन, समीर, लितेश। चलिए चेक करते हैं। बेटे एक बार बताओ, प्राइम नंबर के बारे में सुना है? क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, कौन से होते हैं? मैथ्स में सुना होगा ना बहुत बार, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए? एक सबसे पहला नंबर हुआ 2, फिर कौन सा नंबर हुआ, 3 हो गया, क्योंकि 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4 होगा एक प्राइम नंबर? नहीं, तो 4 तो नहीं हो सकता, 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। रीजन बीइंग क्योंकि 4 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है। 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ जी है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है ये। 7 एक प्राइम नंबर है? हाँ जी है। तो बच्चे आपको सीरीज नहीं दिख रही है ये वाली, 2, 3, 5, 7, 11। तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 11 के बाद? 13 आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन में भी गलती, पेन उठाया क्या इसके लिए?
नहीं उठाना पेन। हाँ जी आयुष। हाँ जी मैम 17 भी तो हो सकता है, 17 वो भी कैसे तो प्राइम होगा? नंबर है मैम, अच्छा वो भी सेवन, प्राइम नंबर है मैम। अच्छा 17 भी हो सकता है, वो भी प्राइम नंबर है। ठीक है अभी जवाब देती हूँ उसका। कौन कौन कह रहा है 17 होगा आंसर? रेज योर हैंड्स। कौन कौन कह रहा है? अच्छा जसमीत कह रहा है, आयुष कह रहा है और ऋषिकांत कह रहा है, बस 3 बच्चे कह रहे हैं, आलस भी कह रहा है। भाई एक बार बताओ, आप लोग कह रहे हो 17 भी होगा तो 13 को क्यों छोड़ा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। तो जब एक सीरीज चल रही है आपके सामने, तो 11 के बाद वाला नंबर कौन सा आ रहा है आपके सामने? 13 ही आ रहा है ना। मैं ये नहीं मना कर रही कि 17 एक प्राइम नंबर नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब एक सीरीज चल रही है तो आप 13 कैसे छोड़ सकते हो? यहाँ पे इसने कोई भी नंबर छोड़ा, फिर आप कैसे छोड़ सकते हैं? समझ आ गया आयुष? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आयुष आपका राइट नहीं है बच्चे, जब आप एक सीरीज चला रहे होते हैं तो आपको सीरीज के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। हाँ जी ऋषिकांत जी, एलिस वीडियो ऑन। वो मैम वो पहले का हैंड रेस था, कोई सॉरी बात नहीं। यस जसमीत। मैम इसमें मैम 15 भी आंसर आएगा मैम। अच्छा 15 कैसे मैम आएगा? देखिए मैं बताता हूँ मैम, 2 2 2 गया +1 5 आ गया, एक दी छोड़ के 5 2 जा 10 +1 11 आ गया। ऐसे मैम 3 2 जा 6 +1 7 आ गया, 7 2 जा 14 +1 15 आएगा मैम। अगर आपको सिंपल सीरीज दे रखी है बेटे, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना? प्राइम नंबर की तो सीरीज। नहीं अगर मैम 15 भी आ गया, 13 भी आ गया, फिर क्या करेंगे मैम? बेटे ऑप्शन में ना एग्जामिनर आपसे बहुत स्मार्ट है, अगर ऑप्शन में 13 होगा तो आप 13 टिक कर लेना, ऑप्शन में 15 होगा तो आप 15 टिक कर लेना, लेकिन जितना मुझे पता है ऑप्शन में सिर्फ 13 ही होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज है बच्चे। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन प्राइम नंबर का आ जाता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स ही हैं। ऐसे आपके पास कंपोजिट नंबर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो जसमीत कह रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि जसमीत ने सीरीज बनाई, उसने 2 अलग अलग सीरीज बनाई, उसने क्या किया 2 multiply by 2 plus of 1 then 5 multiply by 2 plus of 1, उसने ऑल्टरनेट नंबर की सीरीज बनाई है 3 multiply by 2 plus of 1। हाँ तो ये सीरीज जस्टिफाई तो कर रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे ये सीरीज जब भी आप देखोगे ना 2 3 5 7 11, तो ये बहुत कॉमन सेंस है कि ये प्राइम नंबर की ही सीरीज है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास 13 ऑप्शन में नहीं होगा, 15 होगा, तो आप 15 टिक करना। ओके जी चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट और बताइए क्या आंसर होगा। ओके सत्ताज कह रहा है 81, हर्षा 82, आयुष 71। वाह 3 बच्चों का पढ़ा और तीनों के अलग अलग। बाकी सभी पंचम भी 81, अनमोल 81, आयुष 82, सुप्रिया 81, शिवा 81, विकास 81, सत्यम, समीर 76। बस अपनी मर्जी से कुछ भी करे जाएंगे। देखो जी ये सीरीज में क्या अप्लाई हुआ हुआ है, इलेवन माइनस सिक्स क्या होगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस करना तो आता है। अब 21 minus 11 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 36 minus of 21 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। आपको सीरीज पता चल गई कि पहले 5 का डिफरेंस हुआ, फिर 10 का, फिर 15 का, तो यहाँ कितने का होना चाहिए, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ जी 20 का ही डिफरेंस है, तो आगे कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो माइनस करो जी, क्या आएगा आंसर? द आंसर विल बी 81। तो अगर आप 81 से 56 माइनस करेंगे, योर आंसर विल बी 25। एम आई क्लियर?
सभी को समझ आ गया, जो आंसर 76 वगैरह कर रहे थे वो सभी गलत है बच्चे, लेकिन फिर भी 80% क्लास का सही आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चले जी। सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्थ फास्ट, सॉल्व करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्थ और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो आपको ये दिख रहा है बच्चे, सबसे पहली टर्म आपकी जीरो थी और जीरो से कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट 210 पे पहुंच गया, तो ये प्लस माइनस तो नहीं हो रखा होगा। तो जब सीरीज इतनी जल्दी जंप करती है ना, तो 90% चांस होते हैं कि या तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या उसमें स्क्वायर हो रहा होगा, या उसमें क्यूब हो रहा होगा। ये तीनों केस बनते हैं जब सीरीज बहुत लंबी जंप करती है। दिस इज जीरो से डायरेक्ट 210, बहुत लंबी जंप है ना। तो सॉल्व करिए बताइए मुझे, चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होगा। देखो फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि या तो मल्टीप्लाई होगा, या स्क्वायर होगा, या क्यूब होगा, यही बोला था मैंने आपको। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 6 4s are 24 होता है, लेकिन अगर मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा आंसर? 96 आएगा। 96 तो इसके नेड़े तेड़े भी नहीं है, कहां 60 कहां 96। अगर मैं माइनस प्लस भी करूंगी तब भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा मेरा डिजायर्ड। चलिए जी करके देखें, क्यूब करके देखें। पहला देखो, 1 का क्यूब माइनस ऑफ 1 क्या आएगा आंसर? 1 का क्यूब 1 माइनस ऑफ 1 योर आंसर विल बी 0 आ जाएगा। पहला आ गया टर्म। सेकंड टर्म देखो, 6 कैसे आया? 2 का क्यूब माइनस ऑफ 2। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 माइनस ऑफ 2 इज 6। एम आई क्लियर? तो आपको पता चल गया कि इसमें क्यूब हो रखा है और क्यूब अपने ही टर्म से माइनस हो रखा है। थर्ड टर्म करो, थर्ड टर्म क्या है? 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 एंड माइनस ऑफ 3 इज 24। टर्म मिल गई आपको 24। तो बच्चे आपको सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आपने 1, 2, 3 कर लिया, आपको पता लग गया कि मेरी सीरीज यही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 का क्यूब होगा, यहाँ क्या होगा? 5 का क्यूब होगा, यहाँ क्या होगा? 6 का क्यूब होगा, और यहाँ क्या आएगा आंसर? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब माइनस ऑफ 7। और ये लॉजिक का सबसे पहले आंसर आर्यन ने दिया था, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि लॉजिक बताओ, तो सबसे पहले आर्यन ने आंसर दिया है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 एंड माइनस ऑफ 7। 343 में से आप 7 माइनस करेंगे और आंसर विल बी 336। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? इसमें क्यूब हो रखा है और माइनस वही सेम टर्म हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अनमोल 360 नहीं होगा बच्चे, 336 होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, चलिए सॉल्व करिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फास्ट और बताइए मुझे क्या आंसर है। 3, 3, 6, 18, 72। चलिए जी चले करे सॉल्व। क्या हुआ बच्चे? अब 3 से डायरेक्ट 72 आया, वही सेम डिजिट्स जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हुई है। तो क्या लॉजिक लग रहा होगा इसके अंदर? 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। 3 1 3 होता है। आगे देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। आगे देखो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आपको लग गया पता कि पहले मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, और फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 18 4 का क्या होता है? 72 होता है। हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, तो फिर आगे क्या होगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड योर आंसर विल बी 360। तो जिनका भी आंसर 360 था, दोज वर करेक्ट और बाकी सभी गलत है।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।